नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, गया में लग रहा रोजगार कैंप। जाने 15 से 30 अक्टूबर तक किस प्रखंड में लगेगा रोजगार मेला। 10वीं 12वीं के रजिस्ट्रेशन की बढ़ी अंतिम तारीख, 21 अक्टूबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, विलंब शुल्क के साथ कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर चढ़ गया है गलत, ऐसी गलती करने वाले रैयतों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब अन्य दस्तावेजों के आधार पर सर्वे का काम होगा पूरा। नर्सिंग कॉलेजों की ग्रेडिंग के लिए जांच पूरी, QCI ने 231 संस्थानों का किया आकलन, नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार। 16 अक्टूबर से भारत न्यूजीलैंड के बीच शुरू होगा मुकाबला, रोहित शर्मा ने मैच से पहले अपनी रणनीति का किया खुलासा, कहा मैच जीतने की रहेगी कोशिश। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गया के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल गया जिले के 15 प्रखंड में सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर SIS लिमिटेड में बहाली होने वाली है। इस बहाली के लिए रोजगार कैंप का आयोजन होगा जो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। कंपनी 8वीं और 10वीं पास से ग्रेजुएशन पास युवाओं को रोजगार का मौका देगी, जहाँ चयनित उम्मीदवारों को 15 से 27 हजार रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर ब्लॉक कैंपस डुमरिया, 16 अक्टूबर को ब्लॉक कैंपस इमामगंज में, 17 अक्टूबर को नियर PNB बैंक बांके बाजार में, 18 अक्टूबर को बाजार रोड शेर घाटी में, 19 अक्टूबर को ब्लॉक कैंपस खिजर सराय में, 21 अक्टूबर को ब्लॉक कैंपस गुरारू में, वहीं 22 अक्टूबर को ब्लॉक कैंपस नीमचक बथानी में, 23 अक्टूबर को बेलागांव चिड़ियावा मोहरा में, 24 अक्टूबर को चौहान गली वजीरगंज में, 25 अक्टूबर को ब्लॉक कैंपस चंदौती में, 26 अक्टूबर को पचहटी बोधगया में, 27 अक्टूबर को ब्लॉक कैंपस बेलागंज में, 28 अक्टूबर को ओम साई राम नियर GT रोड गुरुआ में, वहीं 29 अक्टूबर BSDC आमस में और 30 अक्टूबर ब्लॉक कैंपस मोहनपुर में रोजगार कैंप का आयोजन होने वाला है। आज प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की ये हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगी, जिस वजह से सुबह से अब तक OPD और रूटीन सर्जरी बंद रही, केवल इमरजेंसी कार्य ही किए जा रहे हैं। ये देशव्यापी हड़ताल है जिसकी घोषणा IMA की तरफ से की गई थी। IMA बिहार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक RG मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स बीते 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। ये सभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर मामले में अब तक न्याय न मिलने और हॉस्पिटल के डॉक्टरों की सुरक्षा में सुधार नहीं होने से नाराज है। IMA बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक IMA जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और IMA मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क ने कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बढ़ा दिया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन करने वालों को विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मिलेगी। जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10वीं 12वीं में सामान्य वर्ग के बच्चों को 1010 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे, वहीं आरक्षित वर्ग के बच्चों को 895 रुपये देने होंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप BSEB के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सरकार ने उन रैयतों को राहत दी है जिनकी जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर गलत है। पटना में 25,000 लोगों की रसीद में ये गलतियां पाई गई हैं, लेकिन अन्य दस्तावेजों में जानकारी सही है। ऐसे मामलों में सर्वे के लिए वही सही दस्तावेज आधार बनेंगे। हालांकि नवरात्रि के कारण कागजात जमा करने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। अब तक 1.25 लाख लोगों ने भूमि सर्वे के लिए ही आवेदन किया है, जिनमें से 25,000 को सुधार की जरूरत है। अधिकतर समस्याएं जमाबंदी रसीद में गड़बड़ी की वजह से हैं। सर्वे टीम ने लोगों को बताया है कि सही दस्तावेज देने पर ही काम आगे बढ़ेगा, अगर सुधार नहीं हो पाता है तो अन्य दस्तावेजों के आधार पर सर्वे किया जाएगा।
बिहार में सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों और संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की गई इस जांच के आधार पर सुधार करने वाले संस्थानों को अपनी ग्रेडिंग में सुधार का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग को सौंपे गए इस रिपोर्ट में 231 संस्थानों की स्थिति का आकलन किया गया है। जांच से मिली कमियों को दूर कर संस्थान अपनी ग्रेडिंग में सुधार का दावा कर सकते हैं, जिससे नर्सिंग की पढ़ाई और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे छात्रों को नर्सिंग संस्थानों में नामांकन लेने में सुविधा होगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ये व्यवस्था छात्रों को ठगी से बचाने और नर्सिंग संस्थानों की मान्यता बनाए रखने में सहायक होगी। आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये बैठक मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित हो रही है। इससे पहले 2 सप्ताह पहले बिहार कैबिनेट बैठक देखने को मिली थी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगे थे। आज भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के पास होने की संभावना है। चुनाव के मद्देनजर बिहार सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 25 लाख रोजगार देने का वादा किया था। ऐसे में आज के इस बैठक में रोजगार और नौकरी से जुड़े कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज से प्रदेश में बालू खनन का काम शुरू हो चुका है। बालू खनन को लेकर अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री और खान व भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्रोन के माध्यम से अवैध बालू खनन को रोकने के लिए निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के अंदर कई बदलाव किए जा रहे हैं। हर हाल में अवैध बालू खनन को रोकने का प्रयास चल रहा है, ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में सितम्बर महीने के दौरान 575 करोड़ रुपए का राजस्व बालू खनन से प्राप्त हुआ था, जो इस साल 80% की वृद्धि के साथ बढ़कर 234 करोड़ रुपए हो चुका है। आज से सभी घाटों और सभी जिला कार्यालय में बैनर लगाए जा रहे हैं, जिससे खनन में पारदर्शिता रखी जा सके और लोग अवैध बालू खनन के बारे में जान सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR के भेरिहारी जंगल में हाल ही में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से एक नया गेंडा आया है, जबकि पहले से R5 नाम का नर गेंडा भी मौजूद है। वन कर्मी लगातार इन गेंडों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नए गेंडे के आने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। R5 की देखभाल के लिए 8 वन कर्मियों की टीम तैनात है और नए गेंडे के लिए अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। गेंडों का ये आवागमन VTR की जैव विविधता को समृद्ध बनाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। गेंडा मुख्यतः जंगल में और पानी के निकट रहते हैं, जहां वे कोमल घास खाते हैं। यदि एक मादा गेंडा मिलती है तो संख्या में वृद्धि की संभावना है। पटना के IGIMS में एक नई लैब तैयार की जा रही है। इस नए लैब में दिल और दिमाग दोनों की बीमारियों की एक साथ जांच की जा सकेगी। इस लैब के खुलने से बुजुर्गों मरीजों की नस मिलने में दिक्कत नहीं होगी और उन्हें जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में दिल और दिमाग के रोगियों की संख्या काफी अधिक है और अक्सर जांच में देरी से इलाज प्रभावित होता है। इस लैब में बाइप्लेन कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे, जो कि राज्य में अपनी तरह की पहली हाईटेक सुविधा होगी। ये मशीन 2 तरफा जांच की सुविधा देती है, जिससे हार्ट और ब्रेन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य महत्वपूर्ण जांचें की जा सकेंगी। दोनों विभाग मिलकर काम करेंगे, जिससे इलाज में अधिक सहूलियत होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने अक्टूबर 2024 से शिक्षकों के वेतन को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर तय करने का निर्णय लिया है। इस दौरान ई शिक्षा पोर्टल पर उपस्थिति की जांच की गई, जिसमें कई शिक्षकों द्वारा फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। विशेषकर दानापुर, पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के शिक्षकों ने फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज की है। हाजीपुर की एक शिक्षिका ने हरियाणा में से उपस्थिति दर्ज करवाई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने 7,099 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न देने पर अनुशासनिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 1 से 8 अक्टूबर तक 5,275 शिक्षकों ने विद्यालय से बाहर उपस्थिति दर्ज की है, जबकि 700 ने समय से पहले बाहर निकलने का समय अपलोड किया है।
जदयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक तय नहीं हुआ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया कि सीटों पर बातचीत चल रही है और अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, ये कहते हुए कि 2 सीटों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं भारतीय चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकती है, जिसमें उपचुनावों की तारीखें भी शामिल हो सकती हैं। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सजा बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद मर्डर मामले में अदालत ने सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये सजा दी है, जबकि अन्य आरोपी सूरज भान सिंह और राजन तिवारी को बरी कर दिया गया। अब मुन्ना शुक्ला 16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों के अनुसार पूर्वी चंपारण के मंटू तिवारी भी उसी दिन सरेंडर कर सकता है। बता दें कि ब्रज बिहारी प्रसाद का मर्डर 13 जून 1998 को IGIMS में हुआ था, जिसमें मुन्ना शुक्ला समेत 6 आरोपितों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था, लेकिन इस पर उनकी पत्नी और CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जो अब सफल रही। बरारी विधानसभा क्षेत्र के विस्थापितों के बीच कटिहार के जदयू विधायक विजय सिंह ने संकल्प लिया था कि इन सभी विस्थापितों को मुख्यमंत्री के हाथों बासगीत पर्चा दिलाएंगे। बासगीत पर्चा दिलाने के बाद ही वे अपनी दाढ़ी बनवाएंगे। अब जदयू विधायक द्वारा लिया गया ये संकल्प पूरा हुआ। दरअसल CM नीतीश 16 अक्टूबर को 9,500 विस्थापितों को अपने हाथों बासगीत पर्चा सौंपने वाले हैं। इसकी जानकारी बरारी से जदयू विधायक विजय सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को स्थापित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि CM नीतीश को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने हाथों से ये बड़ा काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को हर जिले में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस का मानना है कि ये मुद्दा लोगों के बीच उनकी समस्याओं को उजागर कर सकता है और पार्टी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि राज्य के लोग बढ़ते बिजली बिलों से परेशान हैं और ये मुद्दा उन्हें एकजुट कर सकता है। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने कहा कि स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और उन्होंने इसे सरकार की लूट से जोड़ा। वहीं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियों की बात को नकारा है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है। इस मैच से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगर बेंगलोर में बारिश भी आ जाएगी तो फिर भी हम जीतने की कोशिश करेंगे। रोहित ने कहा कि कानपुर में हमें 2 दिन का गेम नहीं मिला और फिर हमने जीतने का फैसला किया। मुझे नहीं पता है कि यहाँ क्या होगा, हम देखेंगे कि आगे क्या होगा और फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मालूम हो कि हाल ही में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी थी। अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने की तैयारी कर रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रवि कुमार राम, मोहम्मद जहूर, नुन्नू गोलू कुमार, ओमकार सिंह, आदित्य कुमार शुक्ला, आलोक प्रियदर्शी, नौसाद, रजा एस के कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, अंजनी कुमारी, नीतीश यादव, रवि मोहन वर्मा, जय विजय, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, कुंज बिहारी सिंह, शुभ नारायण मांझी, मनोज कुमार, भूषण यादव, सृष्टिक कुमारी, दीपक कुमार, रामजीत यादव, संजीव कुमार, कुश कुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।